स्वागत करता हूँ मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग संविधान चौक में खड़े और मेरे पीछे वंचित बहुजन आघाड़ी का एक शव यात्रा निकाली गई। GST जो कि खाने पीने की चीजें पे लगाई गई है उस GST के विरोध में ये शव यात्रा निकाली गई थी। वैरायटी चौक से लेके संविधान चौक तक ये शव यात्रा निकाली गई थी। यहाँ के लोगों का GST के अलावा और क्या मांगे हैं, किन सारी चीज़ों को लेकर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, यहाँ के लोगों से बातचीत करते जाते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोदी सरकार 2014 से आने के बाद जो सभी चीज़ों पे GST लगने के बाद सभी चीज़ें महंगी हो गई, उसमें से जो पैक करके जो चीज़ें रहती थी मुरमुरा हो गया, स्कूल की चीज़ें हो गई, ये सब के GST फ्री थी। लेकिन इन्होंने अभी 2022 में अभी निर्णय ले लिया कि कोई भी चीज़ रहे जो गरीब से गरीब लोग लेगा उसके ऊपर भी GST लगाया गया, उसके ऊपर 12% और 18% तक के लेके जाए। जैसे 5 रुपये का पॉपकॉर्न खा के गरीब लोग अपना पेट भी भरते थे, तो वो अभी 5 रुपये का पॉपकॉर्न भी 12 बजे 60 यानी 60 पैसा उसके ऊपर GST देना पड़ेगा। ऐसा करके उन्होंने महंगाई का एक बहुत बड़ा उच्चांक किया। 2014 में जब सिलेंडर 4,400 रुपये का था, वो अभी 2022 में 1,150 रुपये का हो गया। वैसे ही उन्होंने बाबा साहब का जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अशोका का चक्र था, वो अभी जो विस्टा नई बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर जो उन्होंने अभी लगाया उसका विद्रुपीकरण किया, वो बहुत ऐसा आक्रांत रूप का जो सिंह है वो उन्होंने दिखाया। तो उसके अगेंस्ट में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जन आक्रोश जनता के तक के जाके ये आवाज़ मोदी तक के पहुँचाना चाहिए, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज ये आंदोलन किया। और ये आंदोलन के माध्यम से हम अभी पूरे नागपुर के जितने बड़े बड़े चौक हैं वहाँ पे भी ये वंचित आघाड़ी इसका आंदोलन करेगी, यही आज का मुख्य कार्यक्रम का मकसद है। देश में जो हुकुमशाह राज शुरू है उसके विरोध में बाड़ा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी के सब कार्यकर्ता, जो देश की सरकार है वो देश के सरकार ने जो नीति अपनाई है खाने के चीज़ों पे जो टैक्सेस लगाया, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर का भी रेट बढ़ाने में आया, उसी के साथ आम जनता का यहाँ जीना हराम हो गया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है और लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हुए जैसी अवस्था यहाँ पे हुई है। इस सब चीज़ों का निषेध करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मोर्चा निकाला गया और जो अशोक स्तंभ का जो चार शेर का सिंहासन था अपना राजमुद्रा है देश का, वो भी गलत तरीके का पेश किया गया, उसके लिए भी हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उसका निषेध करते हैं, ये सरकार का निषेध करते हैं। जैसे कि कहा जाता है, मतलब पिछले हम लोग 7-8 साल से देख रहे हैं कि जब जब मोर्चा निकला है ये सरकार के कान पर जू तक नहीं रही है, क्या वंचित बहुजन के इस मोर्चे से इस सरकार पर कुछ परिणाम होगा? ये देश लोकशाही से चलता है, अब संसद में अगर देखा जाए महंगाई के विरोध में कई खासदार लोगों ने निषेध किया तो उनको निलंबन करने में आया, ये हुकुमशाह सरकार है, इनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, जनता से कोई कौड़ी का लेना देना नहीं और लोगों के ऊपर अपना आर्डर लादने का काम ये सरकार कर रही है। मैं संगीता राहुल गोदनकर वंचित बहुजन महिला आघाड़ी शहर अध्यक्ष हूँ। आज का ये जो हमारा मोर्चा है ये हमारा GST के अगेंस्ट में है, क्योंकि अभी जो GST लगी है वो जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो प्रॉमिस किया था सबका साथ सबका विकास वो कुछ भी नहीं हुआ। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, जब से मोदी सरकार आई है तब से
रोजगार की तो कोई निर्मिति हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे महंगाई दर पे दर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम तो इतने ऊँचे हो गए हैं कि अभी कॉमन पीपल तो मिडिल क्लास तो छोड़ो, अभी हाई मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग भी उसमें सफ़र हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा मांग जो है, जो GST लगी है, जो हमारी GST स्टूडेंट्स के जो बुक्स पे पेन पे लग रही है उसके खिलाफ है, वो GST उसका जो प्रस्ताव हमने दिया है कि वो GST कैंसिल होना चाहिए, और सेंट्रल विस्टा पे जो राज मुद्रा बनाया है वो राज मुद्रा को आप देखोगे तो उसमें हिंसकता आपको दिखेगी, वो हिंसकता हमको मान्य नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक के काल से वो जो राज मुद्रा बनी है वो हमारा हमारे देश की निशानी है, हमारे देश को प्रेजेंट करता है वो राज मुद्रा, और वो शांति का प्रतीक है, और वो राज मुद्रा के साथ जो विद्रुपीकरण हुआ है उसके हम खिलाफ हैं, वो राज मुद्रा उन्होंने वापस लेनी चाहिए, इसके लिए आज का मोर्चा है, और इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके लिए आप देख रहे हैं जन आक्रोश आपको दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को वंचित बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट किया, क्योंकि लोग यहाँ पे सफर हो रहे हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं, GST हो गया, सेंट्रल विस्टा का जो राज मुद्रा हो गया, वो मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए, ये हमारी आज की मांग है। मेरा नाम कांचन देवगढ़ है, और आज जो मोर्चा है ये बहुजन वंचित आघाड़ी की तरफ से है, माननीय प्रकाश बाड़ा साहेब अम्बेडकर की तरफ से, क्योंकि आज जो GST है, जो बुक्स पे जो इतनी सारी GST लग रही, अन्न धान्य पर जो GST लग रही, कभी ऐसा देश था क्या? जब से 2014 में मोदी सरकार की जो लाट आई है, जब से लोगों को मारने की सोच रही है, पढ़ाई होने की वजह से लोग कहाँ नहीं जाते, कहाँ नहीं छूते, वो पढ़ाई पे पहला आघात कर रही सरकार, और जिनके पास पैसे है उनको ही बड़ा कर रहे हैं। आज किसके पास पैसे नहीं है? जिनके पास पैसे है उनके तरफ ED नहीं लग रही, जो सरकार में नहीं है उनके पीछे ED लग रही है। तो यानी पैसे का, नोटों का यहाँ पे कारोबार चालू है, और लोग बिना खाए पिए मर रहे हैं। ये GST सेक्शन 1 और वो जो राज मुद्रा है, अपने देश की जो शांति का प्रतीक है, उसमें भी उन्होंने सब हलमलाट कर दिए। तो इसी तरह से भारत देश में जो 75 ईयर्स अपन स्वातंत्र दिन के अपन मना रहे, मनाएंगे अभी, तो स्वातंत्र दिन मनाने के पहले ही ये लोग इतना ख़त्म कर रहे, लोगों को जीने के लिए मजबूर हो रहे लोग, और मरने के लिए जा रहे, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये सब GST सेक्शन 1 शुल्क, गैस महंगाई, पेट्रोल महंगाई और राज मुद्रा अगर नहीं चेंज होते तो देश में एक आंदोलन छेड़ेगा, और शांति का जो वातावरण है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय संविधान से अपना देश चल रहा है, तो संविधान के खिलाफ ये सब कार्य हो रहा है, तो संविधान के अनुसार इनको देश चलाना पड़ेगा, तभी शांति आएगी, नहीं तो देश में विद्रोह होगा। मेरी वंचित आघाड़ी से यही मांगनी है कि यही डिमांड है कि ये जो देश अच्छी तरह से चल रहा है 2014 से पूरा खराब कर दिया, तो कहीं इसका श्रीलंका ना बन जाए। अभी भी पंतर प्रधान ने ये देश के लोगों ने सुधारना चाहिए कि इसका श्रीलंका ना होने दिया, नहीं तो पब्लिक तो कभी माफ नहीं करेगी। मैं दक्षिण पश्चिम जो अपना प्रभाग है, मैं वहाँ से कैसे नेतृत्व कर रही हूँ, और हम लोग यहाँ पर ये जो भी समस्याएँ आपने अभी देखा हमारी महिलाओं ने रखा, उनके उसी के विरोध में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये जो मुद्दे है, ये मुद्दे सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ही रखे गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो अपनी BJP है उनका मेन मुद्दा तो है कि पार्टीशन करो और शासन करो, और एक विशेष कम्युनिटी को सत्ता दो और बाकी लोग सिर्फ गुलाम रहे। तो आज की कंडीशन, बीच का जो काल था, बाबा साहब ने जो हमें जो अधिकार दिए थे, उसके वजह से जो अभी हम जो 50-60 साल जो हम निकाले बीच में, उसके अनुसार हम लोगों ने जो सामाजिक और ये जो बाकी के दायित्व है और जो अधिकार है उसके साथ जो हम उपभोग करके आज जो अपना जीवन बिताए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रहेगा। आज ये सब महंगाई का मुद्दा प्राइवेट करके ये सारे जो मुद्दे जहाँ पे रखे गए हैं, ये कि एक सामान्य आदमी को इतना गरीब बना दिया जाए, इतना इकोनॉमिकली उसको कमजोर कर दिया जाए कि वो पेट के लिए ही सिर्फ संघर्ष करता रहे, बाकी राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, नैतिक मुद्दों की तरफ उनका कोई ध्यान ना जाए, और बाकी के जो कम्युनिटी है उनका यानी भला हो, 2-3 कम्युनिटी जो उच्च वर्ण में मोड़ती यानी आती है उनको यानी शासन में लाना है, क्योंकि हर इसमें
हर ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर वो जो लोग हैं वहाँ आप देखोगे तो सब वही लोग बैठे हुए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है, एक आध आदमी जैसे कि अभी मसलन आप सरकार पर सीधी तरह आरोप लगा रहे हैं कि फिर एक बार वर्ण व्यवस्था ला दी जा रही है और ये उसी का परिणाम है कि ये सब धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलाव भी होते जा रही है। जैसा कि अभी वो जो चार मुंह का शेर जो है उसको जो बदल दिया गया, अपनी जो राज मुद्रा है उसको विद्रूप कर दिया गया, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो भी काम चालू है। मगर लोगों को पूरी आर्थिक यानी कहीं पर भीख दी जाती है, भीख यानी फुकट में पैसे दे दो, कहीं पर तुम अनाज दे दो, तो ये क्या है, ये तो भीख है ना। तुम अधिकार दो ना, तुम उनको नौकरी दो, तुम उनको अधिकार दो, अपने जीने का ही हक दो। शिक्षा व्यवस्था को भी पूरा व्यापारीकरण किया गया है, तो आदमी काहे के लिए पढ़ाई करता है। आज के बच्चों को आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि हम पढ़ूंगा और कोई नौकरी करूंगा, अपने परिवार का ये करूंगा। इसके अलावा उसकी सामाजिक कोई उसका दायित्व है कि नैतिक कोई उसका दायित्व है, इस संदर्भ में यानी कोई बात नहीं है। यानी आने वाला बच्चा सिर्फ गुलाम रहेगा, पढ़ेगा, कमाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, बाकी चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी एक तरीके से वो भी गुलामी ही है, ऐसा मुझे लगता है। आज का ये मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से सरकार की जो जनविरोधी नीतियां है, केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, ये जो महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो मिलीजुली अभी जो महाराष्ट्र के हिसाब से वो डबल इंजन सरकार हो गई, अभी इन्होंने ऑलरेडी जो महंगाई का भार देश के बहुजनों के ऊपर में, वंचितों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर डालने का काम किया था, उससे भी ज़्यादा, और उन्होंने एडिशनल 5% GST लगाने का काम किया, तो पूरे देश के अंदर में हमारे माता बहनों का बजट बिगड़ गया और वंचित बहुजन समाज के लोगों का भी किचन का बजट बिगड़ गया। तो ये बार बार अगर महंगाई के नाम से अगर देशवासियों को, मिडिल क्लास गरीब लोगों पे अगर हल्ला बोलने का काम अगर केंद्र सरकार कर रही है, तो इस विरोधी जनविरोधी नीति के खिलाफ में आज का ये मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी ने इनके केंद्र सरकार के खिलाफ में आज किया है। साथ ही दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि नए पार्लियामेंट के ऊपर में जो सम्राट अशोक की जो राजमुद्रा है, चारमुंडी शेर जिसको बोलते हैं, उस राजमुद्रा के साथ में केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करने का काम किया है। हमारी ये मांग है कि उस राजमुद्रा को फिर से नए सिरे से बनाया जाए, और सम्राट अशोक ने और भारत के संविधान के हिसाब से और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डायरेक्शंस उस राजमुद्रा के संदर्भ में दिए थे उसको उसी ढंग से पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे कि देश की सम्मान, देश के संविधान की गरिमा और ये देश का सम्मान गरिमा बनी रहेंगी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के तरफ में ध्यान आकर्षण करने का हमारा ये आज का उद्देश्य है, और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में जो मोदी सरकार ने स्टैंड लिया है उसका हम लोग आज यहाँ पर जाहिर निषेध करते हैं। क्या ये मोर्चा आपका सिर्फ एक दिवसीय है या फिर जिस तरह से किसानों का मोर्चा चला उस तरह से आप ये मोर्चा को चलाने वाले? नहीं नहीं, आज का ये मोर्चा हमारा एक दिवसीय है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सभी तालुका लेवल पर, शहर लेवल पर हमारे ये मोर्चे वंचित बहुजन आघाड़ी के पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। तालुका लेवल से लेकर तो शहर और जिला लेवल पर हमारे ये, और बड़े शहरों में भी हमारे मोर्चे सभी तरफ शुरू है। और इस संदर्भ में अगर जल्द से जल्द अगर 5% GST का रोल बैक अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो इसके बाद में हम तीव्र आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर में करेंगे। जो जन आक्रोश मोर्चा आज निकला है, जन आक्रोश का मतलब क्या है कि जन सामान्य आदमी को जो तकलीफें हो रही है, जो गरीब मजदूर किसान इनको जो तकलीफें हो रही है, इनके ऊपर जो GST, स्कूल के सामग्री के ऊपर GST, अन्य धान्य के ऊपर GST, ये तमाम लोगों को मारने का षड्यंत्र एक केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। जनता बहुत परेशान है, इसके लिए एक GST लगाने वालों की शव यात्रा आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से निकाली है, और ये GST लगाने वालों को जब तक इस सत्ता से नीचे नहीं खींचते तब तक आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी की ये जनविरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं पर जो GST लगाई गई है उसके विरोध में खास तौर पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने मोर्चा निकाला है, और जो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है उसका हम निषेध करते हैं मोर्चे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पर भी केंद्र और राज्य ने GST लगाया है। आप देख सकते हैं कि मिल्क जैसा दूध के उत्पादन वाले जो पदार्थ है उस पर भी GST लगाया गया है। मैं समझता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले कृष्ण भक्तों को ये केंद्र सरकार और BJP द्वारा दी गई एक गिफ्ट है, एक प्रकार का अमूल्य भेंट ये भाजपा द्वारा कृष्ण भक्तों को दिया गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए तमाम कृष्ण भक्तों को मैं कहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी से सावध होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करके आप लोग फिर से एक ऐसी सरकार इस देश में बनाएं जो गरीबों को, मजलूमों को, वंचितों को न्याय दे सके। इतना ही मैं इस माध्यम से कहूँगा और फिर से एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी इस सारे नीतियों को, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती है। और जो अशोक स्तंभ, जो नया प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए सेंट्रल विस्टा, वहाँ पर जो अशोक स्तंभ गलत तरीके से बनाया गया उसका भी हम फिर से हम उसको चेंज करना चाहिए और जैसा पहले की तरह राजमुद्रा थी उसी तरीके से फिर से बनाया जाए, ऐसा मैं मांग करता हूँ। आज सद्य बाला साहब आंबेडकर आणि महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशानुसार हा जो आक्रोश मोर्चा वंचित बहुजन आघाडी नागपूर जिल्हा नागपूर शहरातर्फे काढण्यात आलेला आहे, या मोर्चामध्ये आमच्या सर्वात दोन माग महत्त्वपूर्ण आहेत। एक सेंट्रल विस्टा इथे जो भारतीय राजमुद्रेचा जो विद्रुपीकरण करण्यात आलेला आहे, संत मोदीद्वारा जो तिथे हिंदू धर्माची पूजा करून ती आक्रोशित मुद्रा जी स्थापित केलेली आहे ती आक्रोशित मुद्रा तिथून काढून तिथे शांतचित्त अशी मुद्रा स्थापित करावी ही माग आमची आहे। त्यासोबतच केंद्र सरकारने खाद्य उत्पादनावर आणि शालेय वस्तूवर जो GST लावलेली आहे ती GST मागे घेऊन गोरगरिबांना या महाडत्या मागातून काहीतरी आश्वस्त करावे याकरता हा आक्रोश मोर्चा आहे। आणि या आक्रोश मोर्चाच्या द्वारे आम्ही केंद्र सरकारला आणि त्याचप्रमाणे कृष्णभक्तांना सुद्धा विनंती सांगत आहोत की या मोदी सरकारपासून आपण जागरूक व्हा आणि या बहुजन समाजाची सत्ता इथे येणाऱ्या दिवसात स्थापित करा। धन्यवाद, जय भीम। एकीकडे तुम्ही मोदी सरकारला, माननीय प्रधानमंत्र्यांना तुम्ही संत देखील म्हणता आणि दुसरीकडे तुम्ही या पद्धतीने बोलता, यात आपण काय बोलता? मोदी साहेबांनी ज्या दिवशी राजमुद्रा स्थापित केली त्या दिवशी ब्राह्मण पुजाऱ्यांना घेऊन, फक्त ब्राह्मण पुजाऱ्यांना घेऊन तिथे तो मुद्रा स्थापित केली, म्हणून मी त्यांना संत म्हणालो। जेव्हा की ते भारताचे प्रधानमंत्री आहेत त्यांनी सर्व धर्माच्या लोकांना घेऊन किंवा कोणतीही धार्मिक वैदिक न करता ती मुद्रा तिथे स्थापित करायला पाहिजे होती आणि ती जी मुद्रा त्यांनी स्थापित केली ती क्रोधित मुद्रा आहे आणि त्या क्रोधित मुद्रेचं विद्रुपीकरण करून ते या देशाला बर्बाद करण्याच्या ह्याच्यात लागले आहेत आणि म्हणून मी त्यांना संत म्हणत आहो आणि ते देशाला बर्बादही करतात हेही सत्य म्हणत आहोत। म्हणजे जे संत लोक आहेत, तुमचा सरळ सरळ आक्षेप आहे की जे संत लोक आहेत ते देशाला बर्बाद करतात? आम्ही तुमच्या पुढे डोळ्यापुढे उदाहरण आहे, आसाराम बापू, संत योगी यांनी काय केलेलं आहे, म्हणजे 6 महिने झाले अजूनपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्र्यांना कार्यभार मिळालेला नाही असे अनेक मंत्री शिकायत करत आहेत। म्हणजे हे जेवढे बी योगी लोक आहेत या योगी लोकांनी हिंदू धर्माच्या नावावर या देशाला बर्बादच केलेला आहे। कुछ इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, GST जो कि खाने पीने की चीज़ों पर लगी है उसके विरोध में ये जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया। यही वो भारत देश है जहाँ पर अंग्रेजों ने एक बार नमक के ऊपर GST लगाई थी, नमक के ऊपर कर लगाया गया था, उस वक्त सारा देश रास्ते पर उतर के उस चीज़ का विरोध करने लगा था। आज फिर एक बार केंद्र की सरकार ने खाने पीने की सारी चीज़ों के ऊपर, जो रोज की इस्तेमाल की चीज़ें उन सारी चीज़ों पर GST लगाया, उसके विरोध में ये मोर्चा है। क्या वाकई में इस मोर्चा का भी जो रिजल्ट है वो सकारात्मक निकलेगा या फिर मोदी सरकार, केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार अपने तरीके से काम करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया के लिए।